आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, ग्लोरियस इंडिया मीन्स स्वर्णिम भारत, बिगनिंग टू 1206 एडी मीन्स प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं मार्किंग प्लान डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए, इसमें दो तरह की क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ऐसे वेरी शॉर्ट और ऐसे टू, या टोटल मार्किंग होगी इसकी 5, 1+4। इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन वन के फॉर्म में आपको बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में मिल सकता है, और एसे टू जो है 4 मार्क्स, ये क्वेश्चन नंबर 20 या क्वेश्चन 21 के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम्स में मिल सकता है। तो ये तो हुई मार्किंग प्लान के बारे में, आगे बढ़ते हैं और चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया हैज बीन प्रेस्टिजियस, मीन्स पुराने समय से ही भारत का इतिहास और संस्कृति जो है वो गौरवशाली रही है। इंडिया वॉज नोन एज द वर्ल्ड गुरु एंड द गोल्डन स्पैरो, इंडिया को हम वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के नाम से जानते थे। एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड एज फैमिली, संसार को परिवार के रूप में एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, एंड प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड आर अवर आइडल्स, और मनुष्य के कल्याण और अच्छी स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना, ये हमारे आदर्श थे। इसमें कुछ संस्कृत के शब्द यूज किए गए हैं, वह है, पहला तो है वासुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ है एक्सेप्टिंग द वर्ल्ड एज फैमिली, और दूसरा है सर्व भवंतु सुखने सर्व संतु निरामय, जिसका अर्थ था प्रेइंग फॉर द वेलफेयर एंड गुड हेल्थ ऑफ मैनकाइंड, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुका। On the basis of excavations and archaeological remains, Indian भारतीय culture appears to be of universal nature. Means excavation में खुदाई और archaeological remains means पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भारतीय संस्कृति हमें विश्वव्यापी स्वभाव की प्रतीत होती है। Indian regions across sea were known as Dipantar, और जो समुद्र के पार जो भारतीय क्षेत्र थे उसे हम दीपांतर कहते थे। Indians travelling on powerful ships established their political and cultural empire by travelling to Brahmadesh, Sen, Indonesia, Malaysia, Australia, Borneo, Philippines, Japan and Korea. भारतीय शक्तिशाली जहाजों पर यात्रा करते हुए अपना राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य ब्रह्मदेश, सेम, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रोनियो, फिलीपींस, जापान और कोरिया में स्थापित किया। तो भारतीय मीन्स पावरफुल शिप्स में, शक्तिशाली शिप्स में इन क्षेत्रों में गए और वहां पर अपना राजनीतिक और कल्चरल जो साम्राज्य था, सांस्कृतिक साम्राज्य था, वो स्थापित किया। The ports and the naval power of ancient India were highly developed. Ports means बंदरगाह जहाँ ships रुकते हैं, and naval power और जो नाविक शक्ति थी, means नौसेना की जो शक्ति थी प्राचीन भारत की, वो अत्यधिक विकसित थी। Scholars have mentioned about ships sailing in the waters of Indus River about 6000 years ago. और विद्वानों ने ships के बारे में वर्णन किया है जो कि सिंधु नदी में लगभग 6000 साल पहले सेल करती थी, चलती थी। तो ships के बारे में, तो 6000 साल पहले भी सिंधु नदी में शिप्स चलती थी, तो इसी से पता चलता है कि इंडियंस उस वक्त भी शिप्स को होल्ड करते थे और डेवलप्ड कंडीशंस में थे। इंडियंस ट्रैवल्ड इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड बाय वाटरवेज एज वेल एज रोडवेज एंड इंट्रोड्यूस्ड इंडियन रिलीजन एंड कल्चर टू रेसिडेंट्स ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज। भारतीय
विश्व के कई देशों में यात्रा की, पानी से और सड़कों से वो वहां तक पहुंचे एंड और भारतीय धर्म और संस्कृति से उन देश के निवासियों को परिचित करवाया। These courageous people propagated Indian philosophy, astrology, architecture, military science, political science, music and Vedic treatises all over the world. इन साहसी लोगों ने भारतीय फिलोसफी, दर्शन शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, आर्किटेक्चर, निर्माण कला, मिलिट्री साइंस, सैन्य विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान, संगीत और वैदिक ग्रंथों के बारे में पूरे संसार में प्रचार किया। Thus we notice an extremely developed manifestation of the ancient Indian civilization. और यहां हम एक अत्यंत विकसित प्राचीन भारतीय सभ्यता का स्वरूप देखते हैं। इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन कल्चर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रामायण एंड महाभारत हैज बीन ए पार्ट ऑफ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। तो हिंदू सरस्वती सिविलाइजेशन, सॉरी इंडस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में से सभ्यता थी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, और जो रामायण और महाभारत के टाइम जो सभ्यता और संस्कृति थी उस दौर में, वो सब इंडिया के गोल्डन पीरियड का हिस्सा था। द वेदास आर रिगार्डेड एज द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, और वेदास को नॉलेज का एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। एनसाइक्लोपीडिया विश्व ज्ञानकोश, जिसे अपन कहते हैं विश्व ज्ञानकोश, बहुकुत्ता क्या एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया ये एक बुक हो सकती है या फिर सेट ऑफ बुक्स हो सकता है जिसमें किसी सब्जेक्ट के बारे में या फिर कई सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में नॉलेज दी हुई होती है। तो वेदास भी ऐसा था, वेदास पुराने ग्रंथ थे लेकिन उन्हें नॉलेज का विश्व ज्ञानकोश कहा जाता था, मीन्स एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता। The Indus Saraswati civilization is the best civilization in respect of its architecture. अब इनमें से भी जो Indus Sindhu Saraswati सभ्यता जो थी वो आर्किटेक्चर के लिहाज से सबसे अच्छी सिविलाइजेशन मानती थे, मीन्स भवन निर्माण कला के की जब बात करते हैं तो इसे सबसे अच्छी सभ्यता माना जाता था। आगे देखिए, रामायण एंड महाभारत हैव बीन रिनाउंड टेक्स्ट प्रेजेंटिंग द आइडल्स एंड पॉलिसीज ऑफ इंडिया। और जो रामायण और महाभारत है इंडिया की नीति और आदर्श को दर्शाते थे, और ये दोनों ही रिनोड टेक्स्ट थे, मीन्स प्रसिद्ध ग्रंथ थे जो कि इंडिया के आदर्श और नीतियों के को दिखाते हैं। अवर महाजनपद इज हैज बीन द आइडल ऑफ रिपब्लिकन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और हमारा महाजनपद जो काल था वो रिपब्लिकन और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रणाली थी उसका एक आदर्श था। अभी रिपब्लिकन और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, अब यहाँ थोड़ा आप ध्यान दें, रिपब्लिकन एक ऐसा गवर्नमेंट होता है जहाँ पर जो पावर जो होती है, फिर सुप्रीम पावर जो होती है वो लोगों के हाथ में या फिर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके हाथ में होती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जहाँ पर जो पावर जो होती है वो लिमिट कर दी जाती है रूल ऑफ लॉ से, मीन्स यहाँ पर लॉ ज्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो जो हमारा महाजनपद केस था इसमें दोनों ही थे, रिपब्लिकन सिस्टम भी था और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम भी था। एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस जनपद इज एविडेंट इन पोस्ट वैदिक पीरियड, और जो बाद का जो वैदिक पीरियड था उसमें हमने कई जनपद के अस्तित्व को देखा था। बाय दिस टाइम आयरन वॉज एक्सटेंसिवली यूज इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार, और इस समय में आयरन जो है ईस्ट उत्तर प्रदेश और वेस्ट बिहार में काफी ज्यादा यूज किया जाता था। तो द टेक्निक ऑफ यूजिंग आयरन सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल एंड एज रिजल्ट टेंडेंसी ऑफ सेडेंटरी लाइफ सेटलमेंट कंसोलिडेटेड इन द सोसाइटी। अब जैसे ही हमने आयरन का यूज करना शुरू किया इसने लोगों की जो जीवन शैली थी उसको बदल दिया।
डेवलप, अब इससे आगे देखो काफी कुछ चेंज आया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड एंड कॉमर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ द एंशिएंट ट्राइबल सिस्टम। और जैसे ही एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ट्रेड और कॉमर्स का विकास हुआ, मीन्स कृषि का, उद्योग का, व्यापार का और वाणिज्य का जैसे ही विकास हुआ, ये जो हमारा जो प्राचीन ट्राइबल सिस्टम था इसमें ये डिक्लाइन होने लग गया, इसका पतन होने लग गया। एंड स्मॉल जनपद्स वर रिप्लेस्ड बाय लार्ज जनपद। और जैसे जैसे विकास होता चला गया, जो स्मॉल जनपद थे उनकी जगह बड़े जनपद आ गए। आगे देखिए, विद द एडवेंट ऑफ द 6th सेंचुरी BC जनपद्स वर इन्वॉल्वड इन द फॉर्म ऑफ महाजनपद। और ऐसे ही लार्ज जनपद बने, उसके बाद ऐसे ही प्रोग्रेस चलता रहा, तो ये जो जनपद थे जो वो महाजनपद बन गए। आगे देखो, इन द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी BC सॉवरेन रूल वाज कंप्लीटली एब्सेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो 6th सेंचुरी BC की शुरुआत में सॉवरेन रूल उत्तर भारत में नहीं था। अब ये सॉवरेन रूल क्या है, मैं किसी एक शासक का पूरे उत्तर भारत में रूल नहीं था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब डिवाइडेड थे। तो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया जो था वो सेवरल स्वतंत्र में, कई स्वतंत्र राज्यों में बटा हुआ था। दिस स्टेट्स वर लार्जर एंड मोर पावरफुल देन द स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। और ये जितने भी राज्य थे वो बड़े थे और अधिक शक्तिशाली थे पोस्ट वैदिक पीरियड के राज्यों से।